नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं ये ड्राई फ्रूट चिक्की। जो मार्केट वाली चिक्की तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे घर पर ही। और ये बहुत हेल्दी होने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में तो बिल्कुल आसान है। आप पहली बार में ही एकदम 100% आसानी से बना सकते हैं घर पर, और बहुत कम समय में ये तैयार हो जाती है। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने यहाँ पर लिए है कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू और कुछ पिस्ता। इसको पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रोस्ट कर लेंगे पैन के अंदर डालकर, मतलब थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा। इसमें जैसे एक क्रिस्पीपन सा भी आ जाएगा, और इस तरह बनाने से हमारी चिक्की एकदम बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट के। अब यहाँ पर उसी पैन को फिर से गैस के ऊपर रख देंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप चीनी, और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से फैला देंगे पहले, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे जब तक ये अच्छी सी मेल्ट ना हो जाए। और बीच में कोई चम्मच वगैरह भी नहीं देंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। और ये देखिए थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, और थोड़ा सा हम इस तरह हिला देंगे इसको ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर देखिए हमारी चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको हम मिक्स करेंगे ताकि साइड में बची हुई चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और मेल्ट हो जाए। यहाँ पर आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जब तक आपकी चीनी अच्छे से मेल्ट ना होनी शुरू हो जाए तब तक इसे आप बिल्कुल टच ना करें, वरना तो ये चिपकने लगेगी और अच्छे से नहीं मेल्ट होगी। और ये देखिए काफ़ी अच्छी मेल्ट हो गई है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा और मेल्ट कर लेते हैं, पका लेते हैं इसको ताकि इसमें कोई दाने वगैरह ना रह जाए। और यहाँ पर हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा घी डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस भी आएगी और शाइनिंग भी, और हमारी चिक्की एकदम बहुत ही क्रिस्पी तो बनेगी लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट भी बनेगी, खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप थोड़ा सा घी या बटर डाल सकते हैं। अब इसको डाल देंगे यहाँ पर, और जैसे ही थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। और दूसरी तरफ आप कोई भी टिफिन या वगैरह में घी वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा लिया, इसके अंदर डाल देंगे ऐसे ही केक टिन के अंदर। आप चाहे तो कोई प्लेट वगैरह में भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा घी वगैरह या तेल लगा लें उसके अंदर, तो उससे आसानी होगी निकालने में। और ये बहुत जल्दी सेट होती है, इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी इसको सेट कर दें, इस तरह बराबर फैला दें इसको। और यहाँ देखिए थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाएगी तभी इसके अंदर हम कट लगा देंगे, वरना बाद में बहुत मुश्किल होती है फिर। और यहाँ पर हल्की सी ठंडी हो गई है तभी इसके अंदर हम लगा देंगे इस तरह कट। आप चाहे उतने पीसीस जितना करना चाहे उसी में थोड़ा सा इस तरह कट लगा दे तो बाद में आसानी होगी कट करने में। बस इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, बाद में फिर बिल्कुल नहीं कटती है इस तरह अगर आपने कट नहीं लगाए तो। यहाँ पर थोड़ी सी गर्म है ये पहले से, तभी हम लगा रहे हैं। और इसको बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता, कुछ समय में ये बिल्कुल सेट हो जाती है। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही अच्छे से थोड़े से समय में ही बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी ये ठंडी होने के बाद। और यहाँ पर हमने पूरे कट लगा लिए, अब इसको कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये देखिए पहले से अभी ठंडी हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे इसको। और ये देखिए इसको हम हटा देंगे बटर पेपर जो हमने लगाया है, इससे यही आसानी होती है, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। अब इसको हम ऐसे तोड़ लेते हैं, बस देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तैयार हुई है एकदम, देखने में भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उससे पहले हम थोड़ा सा देखिए आपको दिखा देते हैं इसकी लेयर भी, और थोड़ा सा हम इसे तोड़कर भी दिखाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनी है एकदम इस तरह क्रंची। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।